हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सब। स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने ही चैनल स्टडी बडी में। तो आज के इस वीडियो में क्लास 10 सैंपल पर वन का सलूशन आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ अ पॉइंट ए ओ बी आर कोलिनियर देन, इसमें से कौन सा रिलेशन करेक्ट होगा। तो देखिए, जब तीन पॉइंट कोलिनियर होता है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, जीरो। तो हम यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने वाले हैं वन बाई टू ऑफ कितना हो जाएगा। यहाँ से देखिए, एक्स वन वन यहाँ पर और वाई टू माइनस वाई थ्री जीरो माइनस बी हो जाएगा, प्लस एक्स टू। एक्स टू देखिए यहाँ पर जीरो है, इसलिए जीरो समथिंग यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आएगा। अब प्लस, अब एक्स थ्री, एक्स थ्री की वैल्यू कितना गिवेन है, एक्स थ्री की वैल्यू यहाँ पर गिवेन है हमारे पास, यहाँ पर है ए, और वाई वन की वैल्यू टू है माइनस वाई टू की वैल्यू जीरो है। ठीक है, अब इसको इक्वेट कर देंगे जीरो के, यहाँ सॉल्व करेंगे। देखिए, वन बाई टू तो जीरो के इक्वल होगा नहीं, तो कौन सा है जीरो के इक्वल होगा, ए टर्म जीरो के इक्वल होगा। तो यहाँ से माइनस का बी आ जाएगा, प्लस का टू ए किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो को इक्वल हो जाएगा। मीन्स टू ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से बी आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। आई होप समझ में आ गया होगा। देखिए सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में बोला है कि द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट सेवन माइनस सिक्स एंड थ्री फोर इन द रेशियो वन इज टू टू इंटरनली लाइज इन द। अब बताना है कि अगर कोई लाइन इन दो पॉइंट को, कौन से दो पॉइंट को, इन दो पॉइंट को अगर इस रेशियो में डिवाइड करे तो किस कोऑर्डिनेट में वो लाई करेगा। तो देखिए, हम निकाल लेते हैं एक्स की वैल्यू, एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हमारा फॉर्मूला होता है एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन अपॉन एम वन प्लस एम टू। क्योंकि इंटरनली बोला है इसलिए प्लस होगा, अगर एक्सटर्नली बोलता तो माइनस होता। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, देखिए वन इंटू थ्री, वन इंटू थ्री प्लस प्लस कितना हो जाएगा, टू इंटू सेवन, टू इंटू सेवन अपॉन अपॉन कितना हो जाएगा, वन प्लस टू एम वन प्लस एम टू। सिमिलरली वाई की वैल्यू हम यहाँ निकाल लेते हैं, वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए वाई की वैल्यू कितना होता होगा, वन इंटू फोर प्लस टू इंटू माइनस सिक्स, टू इंटू माइनस सिक्स अपॉन वन प्लस टू। जब यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 17 बाई थ्री और y की वैल्यू आ जाएगी, y इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 8 बाई थ्री। ठीक है, तो देखिए x की वैल्यू पॉजिटिव और y की वैल्यू नेगेटिव, x की वैल्यू पॉजिटिव y की वैल्यू नेगेटिव, हमारे पास कोऑर्डिनेट कितने होते हैं, चार। यहाँ पर x और y दोनों पॉजिटिव होता है, x और y दोनों पॉजिटिव होता है, और इस कोऑर्डिनेट में x नेगेटिव होता है और y पॉजिटिव होता है। ठीक है, इस कोऑर्डिनेट में दोनों नेगेटिव होता है और इस कोऑर्डिनेट में एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकेंड कोऑर्डिनेट, थर्ड एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो देखिए हमारे पास एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आई है और वाई की वैल्यू नेगेटिव आई है, तो एक्स की वैल्यू पॉजिटिव और वाई की वैल्यू नेगेटिव फोर्थ कोऑर्डिनेट में होता है, तो इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला है कि एन स्क्वायर माइनस वन इज डिविजिबल बाई एट इफ एन इज, तो एन क्या होगा कि हमारे पास एट से डिविजिबल हो जाए। तो देखिए हम ऑप्शन अपना देखते हैं, ऑप्शन क्या उसी से हम आंसर लाते हैं। एन इंटीजर, तो देखिए इंटीजर क्या होता है, आई इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी होता है, माइनस वन जीरो वन टू अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब इसमें कोई सा भी वैल्यू रख के देख लेते हैं क्या हमारे पास कोई एक ऐसा काउंटर एग्जाम काउंटर एक वैल्यू उठा लेते हैं जिससे कि हमारे पास ये देख लेते हैं क्या हमारे पास ये एट से डिविजिबल है कि नहीं है। तो हम टू उठा लेते हैं, फिलहाल टू भी इंटीजर है। देखिए टू का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, फोर माइनस का वन कितना आ गया, थ्री आ गया। क्या थ्री एट से डिविजिबल है, नहीं। ठीक है, तो देखिए टू लेने से एक फ़ायदा हो गया कि इंटीजर भी चला गया, मतलब इंटीजर नहीं हो सकता, और नेचुरल नंबर भी चला गया क्योंकि नेचुरल नंबर भी नहीं होगा। और आपका जो ऑप्शन देखिए डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन क्या है, इवेन नंबर, तो ये भी गया ये भी गया ये भी गया, तो क्या हो जाएगा, एन ऑड इंटीजर, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फोर में बोला है कि द सम ऑफ द डिजिट अप टू डिजिट नंबर इज नाइन इफ 27 इज एडेड टू इट द डिजिट ऑफ द नंबर गेट रिवर्स द नंबर इज, तो उसमें कौन सा नंबर होगा। देख कहने का मतलब है कि दो डिजिट का कोई नंबर है उनका सम करने पर हमें नाइन मिल रहा है। ठीक है, और उसमें अगर 27 ऐड कर दे रहे हैं तो कितना हो जा रहा है, अपने जो नंबर उसका रिवर्स हो जा रहा है। तो देखिए अब हम जब देख रहे हैं ए ऑप्शन ए बी सी डी सबको ऐड करने पर, देखिए टू प्लस सेवन करेंगे कितना आ जाएगा, नाइन, और वैसे सेवन प्लस टू किया वो भी नाइन आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद सिक्स प्लस थ्री करें तो भी नाइन आ जा रहा है,
और फिर 3 प्लस 6 करें फिर भी 9। देखिए मेरे पास चारों ऑप्शन में ऐड करने पर 9 आ रहा है। अब क्वेश्चन में क्या बोला कि अगर 27 ऐड किया जाए तो नंबर रिवर्स हो जा रहा है। तो देखिए हम 27 क्या करने वाले हैं, सब में ऐड करिए, शॉर्ट ट्रिक है, फिर अभी इसका प्रोसीजर बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करना है अगर 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आ गया तो कैसे करना है। तो देखिए 27 प्लस 27 जब ऐड किया था कितना होगा 4, या 54 आ गया। ठीक है, तो 50 क्या रिवर्स हुआ इसका, रिवर्स होने का मतलब कि 72 हो जाना चाहिए था, तो ये नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। अब 72 के साथ देख लेते हैं, 72 प्लस का 27 कितना हो जाएगा 99, 99 ये भी गलत हो गया। अब आते हैं ऑप्शन डी पर, आते हैं सी पर आते हैं। देखिए सी कितना है, ऑप्शन सी हमारे पास कितना है 63, तो 63 प्लस 27 किया कितना आ गया से 0 और 2 90 आ गया, तो ये भी नहीं है, ये भी गया, ये भी गया, बच क्या गया लास्ट लास्ट 36 आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। देख लीजिए 36 प्लस 27 कितना आ जाएगा 6 प्लस 7 3 और यहाँ कैरी 1, तो 3 प्लस 3 6 63 हो गया, 36 का 63 हो गया, रिवर्स हो गया, तो ऑप्शन सी डी करेक्ट होगा। ये तो रहा शॉर्ट मेथड। अब इसके बाद अगर हम इसको अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया तो इसको कैसे करेंगे, देखिए लेट कर लेते हैं 2 डिजिट का नंबर, हम लेट कैसे करते हैं, मान लेते हैं कि 10x प्लस y 2 डिजिट का हमारे पास नंबर है। ठीक है, x प्लस y 2 डिजिट का नंबर है, ये हमारे पास नंबर दे दिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमने इसको मान लिया। अब इसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या, एक्स प्लस वाई दोनों नंबर को ऐड करने पर कितना आ रहा है एक्स प्लस सॉरी एक मिनट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना 9, क्वेश्चन गिवेन है, इसको 2 मान लेते हैं। अब इसके बाद जब इस गिवेन नंबर में 27 इस नंबर में 27 ऐड कर देते तो ये नंबर रिवर्स हो जा रहा है, तो मतलब 10x प्लस y में अगर हम 27 ऐड कर दें तो कितना हो जा रहा है, जब हम ऐड करेंगे तो हो जा रहा है 10y प्लस का x। अब इसको सॉल्व कीजिए, इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आएगा y माइनस x इज इक्वल टू 3, यहाँ से आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए इसको इक्वेशन नंबर हम 4 मान लेते हैं। अब इक्वेशन 4 और इक्वेशन 2 इन दोनों को सॉल्व कीजिए, इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा एंड y इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, तो ऑप्शन ए हमारा वैसे भी ऑप्शन डी ही करेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो आप ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5th की, आइए तो अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5th की। क्वेश्चन नंबर 5th में बोला है टू एपीज हैव सेम कॉमन डिफरेंस, द फर्स्ट टर्म ऑफ वन एपी इज -1 एंड दैट ऑफ द अदर इज -8, देन द डिफरेंस बिटवीन देयर फोर्थ टर्म। ठीक है, अब देखिए दो एपी हमारे पास है, एक का फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, मान लेते कि फर्स्ट टर्म पहले वाले का ए मान लेते हैं दिया है -1 और सेकेंड वाले का कैपिटल ए मान लेते हैं वो कितना दिया हुआ है -8 दिया हुआ है, और दोनों के फोर्थ टर्म का डिफरेंस पूछा है कि फोर्थ टर्म का डिफरेंस कितना होगा। तो देखिए कितना हो जाएगा फोर्थ टर्म, कितना होता है a प्लस 3d हो जाएगा पहले वाले एपी का फोर्थ टर्म माइनस कैपिटल ए मान लेते हैं कैपिटल ए, अब प्लस 3d हो जाएगा सेकेंड वाले एपी का। अब देखिए जैसे ही ब्रैकेट ओपन करेंगे 3d कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां पर कितना बचेगा a की वैल्यू -1 हमें गिवेन है, अब माइनस इस a की वैल्यू -8 है तो -8 हो जाएगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आई होप क्लियर होगा। आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 6 करा इन अ ट्रायंगल एबीसी एंड डीईएफ, हमारे पास दो ट्रायंगल दिया हुआ है, अब बोला है कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई और एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल सी एंड ए बी इज इक्वल टू 3 डी ई। देखिए हमारे पास एक ट्रायंगल ए दिया हुआ है, इसका नाम हमने दे दिया ए बी सी, और दूसरा ट्रायंगल ए दे दिया है, इसका नाम ले लेते हैं हमारे पास डी ई एंड एफ। ठीक है, अब देखिए ए एंगल पहले बोल दिया कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, तो ए एंगल बराबर है, ठीक है दोनों का एंगल बराबर है, और एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल सी, ए एंगल ए इस एंगल के बराबर है, और फिर उसके बाद दिया ए बी मतलब ए वैल्यू 3d मतलब ए इसके क्या है थ्री टाइम है। ठीक है, तो हमारे पास अगर 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 हमारे पास ए बी इज इक्वल टू डी ई हो जाता, अगर ए बी इज इक्वल टू डी ई हो जाता तो क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास सिमिलर होता लेकिन कॉन्ग्रेंट भी हो जाता, अगर ये तीनों बराबर होता मतलब ए वाली हाइट इस हाइट के बराबर होती तो कॉन्ग्रेंट भी होता और सिमिलर भी, तो अभी तो सिमिलर हम बोल सकते हैं भाई ए ए से
एंगल एंगल इनइक्वालिटी से क्या बोलते हैं हम कि भाई हमारे एंगल एंगल प्रॉपर्टी से क्या है, सिमिलर है, लेकिन ये इसके बराबर नहीं है, इसलिए क्या कॉन्ग्रेंट नहीं होगा। तो अब देखते हैं ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, कॉन्ग्रेंट बट नॉट सिमिलर, लेकिन हमारा सिमिलर है तो एक ऑप्शन गया, सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रेंट, तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट है। और नाइदर कॉन्ग्रेंट नॉट नॉट सिमिलर, तो सिमिलर तो हमारा है तो ये भी वैसे चला गया, और कॉन्ग्रेंट एज वेल एज सिमिलर, तो ये हमारे पास ये नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है कि दो एरिया, दो ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ है। इफ ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर एरिया ऑफ, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का दिया हुआ है और हमारे पास पी क्यू आर का दिया हुआ है, और बोला है क्यू आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ बी सी, तो बी सी का लेंथ पूछा है। देखिए तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर में क्या रिलेशन होता है, इज इक्वल टू होता है ए बी अपॉन पी क्यू का स्क्वायर, इज इक्वल टू होता है सिमिलरली बी सी अपॉन क्यू आर का स्क्वायर एंड ए सी अपॉन पी आर का स्क्वायर। ठीक है, देखिए हमें एक साइड गिवेन है, हमें कितना गिवेन है, इसका क्यू आर की वैल्यू गिवेन है, मतलब हमें एक गिवेन है तो हमें बी सी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक मिनट, हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पर हम इसको रख देते हैं बी सी अपॉन क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें वैल्यू दी गिवेन है, यहाँ पर हमें बी सी की वैल्यू निकालना, तो बी सी की वैल्यू हम एक्स मान लेते हैं अपॉन क्यू आर की वैल्यू में गिवेन है 6, इसका स्क्वायर यहाँ हो जाएगा इज इक्वल टू कितना है, देखिए ए बी सी 81 अपॉन यहाँ से हो जाएगा 144। ठीक है, अब जब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से इसको सॉल्व किए तो एक्स इज इक्वल टू आएगा 4.5 सेंटीमीटर। अब सॉल्व करिएगा 4.5 सेंटीमीटर आ जाएगा, 4.5 मतलब हमारा 9/2, एक मिनट थोड़ा सा, हाँ 4.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 4.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर एट करें कि इफ पी ए डिनोटेड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट देन। ठीक है, अब देखिए पी ए हमारे प्रोबेबिलिटी है, पी ए किसी इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी है, तो हमें पता है प्रोबेबिलिटी क्या होती है, मिनिमम कितनी होती है, लेस देन और इक्वल टू 0, और मैक्सिमम कितनी होती है, 1 होती है, 1 या 1 से छोटी और 0 या 0 से बड़ी होती है, इसी के बीच में प्रोबेबिलिटी लाई करती है। तो अब देखते हैं ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है प्रोबेबिलिटी कांट बी नेगेटिव, अब प्रोबेबिलिटी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि अगर किसी की होने की प्रोबेबिलिटी 100% है, 100% इसका मतलब उसका पी ऑफ ए कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1 होगा, और अगर इम्पॉसिबल है किसी भी प्रोबेबिलिटी, किसी की होने की प्रोबेबिलिटी इम्पॉसिबल है, तो पी ऑफ ए कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आइए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन में क्या बोला है कि इफ अ फेयर डाइस इज रोल वंस देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर और नंबर ग्रेटर देन 4 इज, तो देखिए हमें एक इवन नंबर चाहिए या ग्रेटर देन 4, तो देखिए कितना आएगा, तो पहले किसी डाइस को अगर हम थ्रो करेंगे तो आएगा कितना, तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 यही आ सकता है। अब इसमें क्या इवन नंबर कितना है, 2, 4 एंड 6, और सेकंड कंडीशन बोला है कि और नंबर ग्रेटर देन 4, तो 4 कितना है, 5 एंड 6 तो ऑलरेडी आ चुका है, तो हमारे पास हमारे फेवर में कितना है, 4 नंबर, और टोटल कितना है, 6 नंबर, तो कितना हो जाएगा, 4/6, और कट करेंगे कितना हो जाएगा, 2/3, तो ऑप्शन देख रहे हैं ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप समझ में आ गया होगा। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में बोला कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बैड एग इज इन अ लॉट ऑफ 400 एग इज 0.034। तो देखिए इसमें क्या है कि हमें दिया है प्रोबेबिलिटी, हमारे मतलब बी क्या है, एक बैड एग सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी है, इज इक्वल टू कितना होता है, टोटल हमारे पास बैड एग कितना है, तो नंबर ऑफ बैड एग हो जाएगा अपॉन टोटल एग, यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, तो देखिए इसकी प्रोबेबिलिटी कितना दिया है, 0.034,
फोर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अभी हमें पता नहीं कितने, तो एक्स ले लेते हैं, अपॉन में कितना हो जाएगा 400। अब इसे सॉल्व कीजिए तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 14, ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 11, फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए करा, इफ अ लाइन रिप्रेजेंटेड बाई, इफ अ लाइन रिप्रेजेंटेड बाई 3x + 2y + 5 = 0 एंड kx - 6y + 4 आर पैरेलल, देन के इज इक्वल टू। देखिए दो लाइन अगर पैरेलल हो, दो लाइन अगर पैरेलल हो तो उनमें रिलेशन क्या होता है, a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज नॉट इक्वल टू c1 by c2। तो देखिए हम यहाँ से निकाल लेते हैं a1 by a2, a1 कितना है 3, a2 कितना है यहाँ पर k, इज इक्वल टू b1 कितना है 2 और b2 कितना है, b2 की वैल्यू कितना है माइनस का 6। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, के इज इक्वल टू माइनस का 18 by 2, माइनस का 18 by 2, तो कितना हो जाएगा k = माइनस का 9। तो आप कितना लिख देंगे, माइनस का 9। ये तो रहेगा पहला पहला पार्ट, या फिर इसको करेंगे या फिर और पार्ट, और पार्ट में आए तो क्या बोला है कि द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x + 2y = 5 एंड 2x - y = 5 दिया हुआ है। तो देखिए इक्वेशन टू, पहले इक्वेशन फर्स्ट लिख लेते हैं, x + 2y = 5 है और इक्वेशन टू में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 4x - 2y = 10। अब क्या करें, हम दोनों को ऐड कर दें, ऐड कर देंगे तो ये बराबर है, कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5x = यहाँ हो जाएगा 15, मीन्स इम्प्लाइज हो जाएगा x = कितना हो जाएगा, x = 3 हो जाएगा। अब x की वैल्यू किसी एक में पुट कर दीजिए, जैसे हमने इसमें पुट कर दिया तो कितना हो जाएगा 3 + 2y = 5। अब देखिए a इधर जाएगा, कितना हो जाएगा -3 - 3 कितना हो जाएगा, इधर हटा कितना हो गया 2 आ गया, तो y की वैल्यू कितनी जी y = 1, कितना हो जाएगा x = 3 एंड y = 1, यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कि इफ द गिवन फिगर साइड बी सी सी ए, बी सी इसकी बात कर रहा है, ए बी इसकी बात, सॉरी ए बी इसकी बात कर रहा है और सी ए इसकी बात कर रहा है, ऑफ ए बी सी टच अ सर्कल एट अ पॉइंट डी ई एंड एफ, इस पॉइंट पर टच कर रहा है और कुछ इस तरीके से टच कर रहा है कि बी डी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, बी डी की वैल्यू, इसकी वैल्यू 4 सेंटीमीटर गिवेन है और इसकी वैल्यू 3 सेंटीमीटर गिवेन है, ठीक है, और फिर उसके बाद डी सी डी सी डी सी कितना 3 सेंटीमीटर हो गया, सी ए सी ए कितना, ए टोटल 8 दिया हुआ है, ये यहाँ से यहाँ तक का लेंथ 8 गिवेन है। तो कह रहा है कि फाइंड, देन फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी, ए बी का लेंथ फाइंड करना है कि ए लेंथ कितना होगा। ठीक है, तो देखिए हमें पता है कि किसी आउटर पॉइंट से सर्कल पर दो टेंजेंट जो बनते हैं दोनों का लेंथ बराबर होगा, तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा, तो ए 4 है तो ए भी कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब देखिए ए 3 है तो ए भी कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। अब जब ये 3 है, अब पूरी लेंथ 8 गिवेन है, तो ए कितना हो जाएगा, ए लेंथ हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। जब ये 5 है तो ये भी कितना होगा, ये भी 5 होगा, 5 + 4 तो पूरा लेंथ कितना हो जाएगा 9, तो ये कितना आंसर हो जाएगा यहाँ पर 9। ठीक है, देखिए थ्योरम नंबर 2 से हम यहाँ पर कर रहे हैं कि किसी भी, हमें थ्योरम नंबर 2 में क्या बताता है कि अगर हमारे पास एक सर्कल है, अगर किसी आउटर पॉइंट से हम इस पर टेंजेंट बना रहे हैं, दो टेंजेंट बनेगा तो दोनों का लेंथ बराबर होता है। ठीक है, तो ए 4 दिया था 4 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, एक इसकी वैल्यू 3 सेंटीमीटर गिवन थी तो ये भी कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर और टोटल लेंथ 8 दिया हुआ है तो ये कितना हो जाएगा, 8 - 3 करेंगे तो 5 सेंटीमीटर, जब ये 5 है तो ये भी कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, तो ये दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 9, तो हमारा आंसर हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट बी हैपेंड इज, तो देखिए जो प्रोबेबिलिटी हो ही ना, किसी की होने की प्रोबेबिलिटी, मतलब किसी कोई इवेंट है जो इम्पॉसिबल है, तो हमें पता है कि किसी इवेंट जो इम्पॉसिबल इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 0। ठीक है, अगर 100% होती है तो उसका प्रोबेबिलिटी P(a) 1 होता है,
अगर इम्पॉसिबल है तो जीरो होता है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आंसर, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, रहे थे क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला है, द लेंथ ऑफ अ रोप बाई विच अ काउ मस्ट बी टेथर्ड इन ऑर्डर दैट इट मे बी एबल टू ग्रेज एन एरिया ऑफ 616 मीटर स्क्वायर इज। ठीक है, अब देखिए हमें क्या किया कि एक यहाँ पर कोई पॉइंट है जहाँ से क्या किया गया कि एक रस्सी से कोई गाय को बांध दिया गया है। ठीक है, और वो कितना एरिया कवर कर रही है, जाहिर सी बात है बना है तो क्या हुआ, कुछ इसी फॉर्म में घास चरेगी गाय अपना। ठीक है, इसका एरिया गिवन है, ये जो एरिया गिवन है हमें है 616 गिवन है। तो पूछा है कि इसका जो रोप का लेंथ कितना होगा, रोप मतलब इसका रेडियस पूछ रहा है। ठीक है, कितना होता है, ये सर्कल है, सर्कल के एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमें गिवन है, कितना गिवन है 616। ठीक है, अब यहाँ से पाई की वैल्यू 22/7 पुट कर देंगे, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 616। अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी 14 मीटर। अब इसे सॉल्व कर लीजिएगा, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14 मीटर, तो यहाँ पर कितना लिख देंगे हम 14। ठीक है, 14 मीटर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट 2-3 एंड फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज। तो देखिए किसी एक्स एक्सिस से 2-3 कितनी डिस्टेंस पर होगा, तो देखिए कितनी डिस्टेंस पर होगा, तो देखिए ये हमारे पास इस पॉइंट से पूछ रहा है कि ये पॉइंट कितनी दूरी पर होगा। तो देखिए कितनी दूरी पर होगा, तो ये एक्स की वैल्यू कितना दिया हुआ है 1, 2, और वाई की वैल्यू -1, -2 और -3 कुछ यहाँ पर पॉइंट, तो ये पॉइंट टोटल हमारे पास यहाँ है। ठीक है, ये पॉइंट कितना है 2, -3 है। अब एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर है, तो एक्स एक्सिस से जितना जितना ए लेंथ होगा उतना ही ए लेंथ होगा, जब ए -3 है तो ये भी कितना होगा -3 होगा, तो आंसर कितना हो जाएगा 3 यूनिट। कितना होगा ये, हालांकि निगेटिव की तरफ जा रहा है, माइनस वाई एक्सिस की तरफ जा रहा है इसलिए, लेकिन टोटल कितना होगा, यूनिट कितना होगा 3 यूनिट। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा 3 यूनिट। अब आते हैं अपना शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा कि एक्सप्लेन वाई 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3 जो नंबर गिवेन है आपको, ये पर है कि इज अ कंपोजिट नंबर। तो देखिए इसके लास्ट में कितना है 5 है, इसके लास्ट में 5 है, इसका मतलब किसी से जाए चाहे ना जाए इसका मल्टीपल, 5 से हम डिवाइड करेंगे तो ए इसको हम मल्टीपल ऑफ 5 में लिख सकते हैं, 5 × समथिंग हम इसे तो कर ही सकते हैं। ठीक है, मतलब तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये, तो क्योंकि हमारे पास इंड इसका 5 हो रहा है, द गिवेन नंबर इंड विथ 5 सो इट इज मल्टीप्लाई ऑफ 5 होगा, हेंस इट इज कंपोजिट नंबर। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा, क्योंकि इसके लास्ट में 5 है तो हम 5 से 5 × समथिंग तो लिख ही सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कंपोजिट नंबर ये हो जाएगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसका और पार्ट। इन SCF a, 8 = 4, मतलब दो नंबर दिया हुआ है, पहला नंबर हमारे पास ए है और दूसरा नंबर 8 दिया हुआ है, उसका HCF दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, और a, 8 का LCM गिवन है, LCM गिवन है 24। तो कह रहा है ए की वैल्यू फाइंड कीजिए, ए की वैल्यू कितना होगा, तो हमें देखिए पता है कि HCF into LCM ऑफ किसी भी दो नंबर का HCF LCM के फॉर्मूला कितना होता है, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, ये हमारे पास फार्मूला होता है। तो यहाँ से देखिए HCF कितना दिया है 4 × LCM कितना दिया हुआ है 24 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 × 24 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा a × 8। अब यहाँ सॉल्व कीजिएगा तो a की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 12, सॉल्व कीजिएगा a की वैल्यू 12 आ जाएगा। ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि राइट नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल वाई। देखिए जब भी कोई ऐसा इस टाइप का ग्राफ गिवेन है तो देखते हैं कि ये जो ग्राफ है, ये जो कर्व हमें गिवेन है, कर्व कुछ इस टाइप का जो कर्व गिवेन है कि एक्स एक्सिस को कितनी पॉइंट पर टच कर रहा है, तो जितनी पॉइंट पर टच करेगा एक्स एक्सिस को उतने नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे। तो देखिए एक यहाँ टच किया, एक यहाँ कट किया हुआ है, एक यहाँ कट किया हुआ है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा इसका 3 हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू 3 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा।
तो आइए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है इफ एक्स प्लस ए इज अ फैक्टर ऑफ, इसका फैक्टर है ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। अगर एक्स प्लस ए इसका फैक्टर है तो जीरो को इक्वेट करके एक्स इज इक्वल टू माइनस ए आ जाएगा एक्स की वैल्यू, और एक्स की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे इसको सेटिस्फाई करेगा ठीक है। तो आइए रखते हैं, तो कितना हो जाएगा टू ए स्क्वायर माइनस का ए का स्क्वायर प्लस का टू ए इंटू माइनस का ए प्लस फाइव इंटू माइनस ए प्लस टेन इक्वल टू जीरो। तो देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा टू ए स्क्वायर, टू ए स्क्वायर यहाँ से हो जाएगा माइनस का टू ए स्क्वायर माइनस का फाइव ए प्लस का टेन इज इक्वल टू जीरो। ए पॉजिटिव ए नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए इसको जब इधर ट्रांसफर करेंगे तो कितना हो जाएगा फाइव ए इज इक्वल टू टेन, तो ए की वैल्यू कितना आ जाएगा टू, तो ए इज इक्वल टू हमारे आ जाएगा टू ठीक है। तो यहाँ से हम आंसर लिख देंगे टू, हमारे पास ए इज इक्वल टू टू आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला है देखिए, कह रहा है कि इफ टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू फाइव देन फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ठीक है। तो देखिए हमें टेन स्क्वायर, तो देखिए टेन थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू कितना गिवन है फाइव। अब देखिए जब इसका स्क्वायर हम करेंगे तो इसका भी स्क्वायर होगा, तो यहाँ से जब स्क्वायर ओपन करेंगे कितना हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस का टू टेन ए टेन थीटा कॉट थीटा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा कितना होता है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा कितना होता है वन, क्योंकि कॉट थीटा को लिख सकते हैं वन अपॉन टेन थीटा, वन अपॉन टेन थीटा और ऊपर टेन थीटा है तो टेन थीटा कट के वन आ जाएगा। तो यहाँ पर हम वन लिखते हैं क्योंकि थोड़ा सा स्पेस की कमी है, इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव हो जाएगा ठीक है। अब इसकी वैल्यू हमसे पूछा है तो टू को उधर ट्रांसफर करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर हमारा आ जाएगा 23 ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 23 आ जाएगा। तो ये अब लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, अपना अपने लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इन अ गिवन फिगर ए ओ बी इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर ओ एंड ए सी इज द टेंजेंट टू द सर्कल एट ए इफ ए ओ बी ए ओ सी मतलब देखिए सॉरी बी ओ सी बी ओ सी इसकी बात कर रहा है, ये हमें गिवेन है 120 देन फाइंड ए सी ओ मतलब ए सी ठीक है। तो इसकी वैल्यू पूछा है ए सी ओ इसकी वैल्यू पूछा कि ए कितना होगा ठीक है। तो हमसे ये मालूम चले कि हमें क्या पूछा है। अब इसके बाद देखें, अब इसके बाद हम क्या बोल सकते हैं इसमें कि अब देखिए एंगल एंगल ओ ए सी इज इक्वल टू 90 होगा कि नहीं होगा, क्यों, क्योंकि देखिए टेंजेंट है, ये टेंजेंट है ठीक है, और ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है। अगर हम इसको थोड़ा सा दूसरे कलर से कर देते देखिए ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है तो इसका एंगल कितना होता है 180। तो 180 में से 180 माइनस का 130 कर दें, 180 माइनस 130 तो कितना आ जाएगा 50। तो देखिए ए एंगल कितना हो जाएगा हमारे पास ठीक है। अब देखिए अगर इस एंगल की बात करें ए एंगल कितना होगा 50 और ए एंगल हमसे पूछ रहा है और ए एंगल में पता है 90 होता है तो कितना हो जाएगा, अब ट्रायंगल के एंगल का सम कितना होता है 180। तो देखिए हम ये बोल सकते हैं यहाँ पर कि देखिए ए एंगल हमने निकाला अभी 50 आया, ए एंगल 90 होता है, इसको हम x मान लेते हैं ठीक है। अब किसके इक्वेट कर दें 180 के, 180 की इक्वेट कर देंगे तो हमारे पास जो x की वैल्यू है सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 40 आ जाएगा ठीक है, x की वैल्यू 40 आ जाएगा। तो ये रहा सेक्शन ए। और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके का वीडियो मिलता रहे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि जब कभी नया वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन मिलता रहे। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको 20 फेब से पहले आपको टोटल 15 सैम्पल पेपर का सोल्यूशन आपको मैं शेयर करूँगा सेक्शन ए का, सेक्शन ए का टोटल 20
15 सैंपल पेपर का सलूशन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो अगर आप 15 सैंपल पेपर मिस नहीं करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें, थैंक्स फॉर वॉचिंग।